बच्चों में विक्की सीएम एंड विक्की कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। मैं पढ़ाऊंगा आज आपको विश्व की जनजाति। अगर सभी बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हो तो लाइक करो, कमेंट करा करो, शेयर करा करो। लाइक कमेंट से हमें कोई लाभ नहीं है, लेकिन इससे क्या होता है कि आदमी का उत्साह बढ़ता है। अगर हमारा उत्साह बढ़ेगा तो हम वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा डालने की कोशिश करेंगे। और ऐसा नहीं कोई सब्जेक्ट पूरा नहीं होगा कि पेपर जल्दी है, आप ना घबराओ इस चीज़ से। आप हमारे विश्वास रखो कि हम इसको पूरा कर देंगे हर सब्जेक्ट को, आप परेशान ना हो। ठीक है, परेशान होने का कारण है, लेकिन आप इतनी परेशान ना हो। तो सभी बच्चे लाइक करें, लाइक करने का कुछ कोई पैसा नहीं कटता तुम्हारा, कमेंट करने का तुम्हारा कोई पैसा नहीं कटेगा, और ना ही सब्सक्राइब करना कटता। सिर्फ क्या है कि गुस्सा बढ़ता है। तो शुरुआत करते हैं जनजाति की। ये ग्रीनलैंड है, उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। अधिकार इस पर डेनमार्क का है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, आपको इस बात का भी पता होगा जो मेरी वीडियो देख रहा है। तो ग्रीनलैंड और कनाडा की जनजाति है, उसको बोलते हैं एस्किमो। क्लियर? क्वेश्चन क्या बनता है, जो इनके बर्फ के घर होते हैं, जो इनके बर्फ के घर होते हैं उसको क्या कहते हैं? इग्लू। यानी जो सर्दियों में बर्फ के घर बनाते हैं उसको कहते हैं इग्लू। और जो एक गर्मियों के घर बनाते हैं यानी ग्रीष्मकालीन घर, उसे बोलते हैं ट्यूपिक। ये जिस हथियार का प्रयोग करते हैं उसका नाम है हार्पून। क्या नाम है? हार्पून। इनका व्यवसाय क्या है? इनका व्यवसाय अखोटक और मत्स्य पालन। अखोटक और मत्स्य पालन है। इनकी जो नाव है उसको बोलते हैं उमियाक या कयाक। क्लियर? जिस सलेश का प्रयोग करते हैं, सलेश का मतलब होगा, आपने फिल्म देखी होगी जब बर्फ पर रिपटते जाते हैं तो नीचे एक पट्टी सी लगी रहती है पैरों में, यानी उसे बोलते हैं हम सलेश। तो किस सलेश का प्रयोग करते हैं, यानी कि वह किसकी बनी होती है? वो होती है जानवर की हड्डी की। किसकी बनी होती है? जानवर की हड्डी की बनी होती है। तो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड की जनजाति बोलते हैं एस्किमो। अगर क्या कनाडा की जनजाति कौन सी है? एस्किमो। तो दोनों की हुई आपकी इतनी बात क्लियर। अब बात करेंगे, ये यहां पे यूएसए है। तो उत्तरी कनाडा और उत्तरी अमेरिका, यानी कि यूएसए का मतलब है अमेरिका। तो एक जनजाति है जिसको बोलते हैं रेड इंडियंस। ये मूल निवासी है यहाँ के। ये क्या है भैया? इसके मूल निवासी है। अगर क्वेश्चन आ जाए उत्तरी कनाडा या उत्तरी अमेरिका, कोई भी एक नाम दे दे, उत्तरी अमेरिका या उत्तरी कनाडा या दोनों दे दे, कि उत्तरी कनाडा उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी क्या कहते हैं? रेड इंडियंस। या उत्तरी कनाडा उत्तरी अमेरिका की जो जनजाति है उसको क्या कहते हैं? रेड इंडियंस कहते हैं। लेकिन आप याद रखियो, जो मध्य अमेरिका है उसकी जनजाति का नाम है माया। क्वेश्चन बहुत खास है कि मध्य अमेरिकी जनजाति का नाम क्या है? माया है। या माया किसकी जनजाति है? मध्य अमेरिका की जनजाति है। तो ये क्वेश्चन आपके क्लियर हुए उत्तरी अमेरिका से। एक देश पड़ता है उत्तरी अमेरिका का जिसको बोलते हैं पनामा। पनामी जनजाति है, इसको बोलते हैं बोगोटा। क्या बोलते हैं? बोगोटा। ये क्वेश्चन भी बहुत खास है, कई बार आया है बोगोटा। क्लियर? बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका की। एक देश पड़ता है यहाँ पे ब्राजील। ब्राजील में नदी जाती है अमेजन। कौन सी? अमेजन। तो क्वेश्चन आता है कि अमेजन नदी की जो घाटी है उसकी जनजाति क्या है? अमेजन नदी की घाटी की जनजाति क्या है? तो बोरो कह दो या बोरा, एक ही बात है। बोरो या बोरा किसकी है? अमेजन नदी की घाटी जनजाति है। इतनी बात आपकी क्लियर होगी।
और एक बताऊं आपको कि अर्जेंटीना है, मैंने आपको पढ़ाया भी है, यहाँ पे देख पड़ता है अर्जेंटीना, यहाँ की जनजातियां गवाचो, क्लियर, मैंने पढ़ाया भी आपको चीजें। तो ये उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से इतने क्वेश्चन ही खास थे जो मैंने आपको बताया है। सबसे ज्यादा जनजाति होती है अफ्रीका में। अगर आपसे पूछे कि विश्व में सर्वाधिक जनजाति, चलो इसकी बात और करेंगे, पहले बात करें थोड़ी सी ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है आप भैया, ऑस्ट्रेलिया है। तो इसकी जो मूल निवासी है, इसके जो मूल निवासी है, मूल निवासी को क्या कहते हैं, तो एरबो जींस, ये है भाई एरबो जींस कहते हैं मूल निवासी। तो क्वेश्चन अगर सीधा आएगा कि अगर क्वेश्चन ऐसे ही देगा जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को क्या कहते हैं, एरबो जींस कहते हैं। और यहाँ जो सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है, सर्वाधिक जनजाति कौन सी है, यहाँ आदिम, यानी कि आदिम जनजाति के लोग सर्वाधिक रहते हैं यहाँ। और आप याद रख सकते हो, याद रखने में कोई बुराई नहीं है, थोड़ी सी मात्रा में यहाँ ब्लैक फैलो ही पाई जाती है, ब्लैक फैलो। तो ये क्वेश्चन बड़े खास है, एरबो जींस आदिम, और हल्की सी मात्रा में थोड़ी सी जनजाति रहती है, ब्लैक फैलो के नाम से भी रहती है। तो ऑस्ट्रेलिया से इतने क्वेश्चन उठते हैं। अब यहाँ एक देश पड़ता है जिसको बोलते हैं न्यूजीलैंड, इसे क्या बोलते हैं, न्यूजीलैंड। तो इसकी जनजाति याद रखियो आप कि बहुत खास है, माओरी है, और एक आपके किवीज है, दो जनजाति है माओरी और किवीज। माओरी इसमें बहुत खास है, कई बार क्वेश्चन आता है न्यूजीलैंड की जनजाति क्या है, माओरी है। किवीज को दिमाग में रखियो फिर भी आप, ठीक है, और ये दोनों भी खास है। अब बात करें किसकी, अफ्रीका की बात कर रहा हूं मैं, किसकी, ये अफ्रीका है भैया आपका, अफ्रीका महाद्वीप। तो सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में है, तो आंसर आएगा उसका अफ्रीका, सर्वाधिक सॉरी जनजाति किस में है आपकी, अफ्रीका महाद्वीप में है। क्लियर इस बात को, तो इसको अनुमाद्वीप कहा जाता है क्योंकि यहां की जो जनजाति है वे जादू टोना वगैरह विश्वास करते हैं, तो इसको इसलिए अनुमाद्वीप कहते हैं। सबसे ज्यादा देश भी इसमें ही है और सबसे ज्यादा जनजाति भी इसमें ही है, इस बात का भी आप ध्यान रखोगे। अब बात करेंगे कि जनजाति की, जो खास है मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ एक देश पड़ता है जिसको बोलते हैं दक्षिण अफ्रीका, इसका एक प्रांत है जिसको बोलते हैं नेटल प्रांत, यहाँ जनजाति रहती है जिसको बोलते हैं जूलू। तो जुलू जनजाति किसकी है, क्वेश्चन आता है कि दक्षिण अफ्रीका के नेटल प्रांत की जनजाति को क्या कहते हैं, जुलू कहते हैं। यहाँ एक कालहारी मरुस्थल है, इसका नाम बता रहा हूं, क्या इसका मरुस्थल है, काला हारी मरुस्थल है। आप सभी को पता है कि ये तीन देश से लगा हुआ है, नाम दिया बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका, इसका विस्तार तीन देश में नाम दिया बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका। तो कालाहारी मरुस्थल में जो जनजाति रहती है उसको बोलते हैं ब्रुशमैन। तो कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति रहती है, ब्रुशमैन, और आप कह सकते हो कि चीटी या कह सकते हो दीमक। तो किस रूप में खाती है, किस रूप में खाती है, तो आंसर है चावल के रूप में, यानी कि जो ब्रुशमैन की जनजाति है चीटी दीमक को किस रूप में खाती है, चावल के रूप में खाती है, इस बात का भी आप ध्यान रखोगे, कोई दिक्कत इस बात को लेकर। अब एक देश पड़ता है इसको बोलते हैं कांगो गणराज्य या जायरे। कटंगा में पठार से नदी निकलती है यहाँ, इसे बोलते हैं कांगो नदी। कांगो गणराज्य इसके कटंगा पठार से होते हुए कांगो देश के बाद गिनी की खाड़ी में गिरती है। तो जो कांगो नदी है, इसकी कौन सी नदी है, इसकी नदी है कौन सी, कांगो नदी है। ये विश्व तरह दो बार काटती है। तो जो कांगो नदी की घाटी है, क्या है भैया, घाटी है, उसमें जो जनजाति निवास करती है उसको बोलते हैं पिग्मी जनजाति। तो किस पर निवास करती है, क्वेश्चन ये आता है, पेड़ पर निवास। ये भोजन को इकट्ठा करती है तब खाती है। तो कांगो नदी की घाटी में कौन सी जनजाति रहती है, पिग्मी।
पिकमी जनजाति किस पर निवास करती है? पेड़ पर। और आप कह सकते हो कि मध्य अफ्रीका की जनजाति क्या करते हैं? तीन क्वेश्चन बने कि कांगो नदी की घाटी जनजाति को, कांगो नदी की घाटी जनजाति क्या कहते हैं? पिग्मी कहते हैं। कौन सी जनजाति पेड़ पर निवास करती है? पिग्मी जनजाति करती है। मध्य अफ्रीका की जनजाति क्या कहते हैं? पिग्मी कहते हैं। इस बात की आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे सहारा मरुस्थल, यहां 11 देश में सहारा मरुस्थल पड़ता है। कौन सा मरुस्थल है? यहां सहारा मरुस्थल है जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है। यहां पे जनजाति रहते तुवारेग। तो जो तुवारेग जनजाति है किसकी है? सहारा मरुस्थल की है। ये क्या काम करती है? विदेशी पर्यटक का काम करती है। आप लिख सकते हो किसका काम करती है? ये विदेशी पर्यटक का काम करती है, यानी जो विदेश से लोग आते हैं उनको रास्ता दिखाती है, पैसा लेती है, अपना जीवन निर्वाह करती है। तो ये क्या काम करती है? विदेशी पर्यटक का काम करती है, विदेशी पर्यटक का काम करती है। क्लियर? यहां एक देश पड़ता है, इसको बोलते हैं मिस्र। मिस्र की जो जनजाति है उसका नाम क्या है? उसका नाम है फैला। फैला जनजाति मिस्र की है। और आप कह भी सकते हो कि नील नदी की घाटी, नील नदी की घाटी में कौन सी जनजाति निवास करती है? या नील नदी की घाटी की जनजाति क्या कहते हैं? फैला। क्लियर इस बात को लेकर? क्योंकि इसी क्षेत्र में रहती है, नील नदी की घाटियों में फैला। इस बात का क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ एक देश पड़ता है, यहाँ पूर्वी हिस्से पड़ते हैं। एक तो केनिया है और एक तंजानिया है। कभी भी हमेशा जो आंसर बनेगा केनिया से बनता है। तो यहां जनजाति है मासाई। क्लियर? केनिया तंजानिया जनजाति कहते हैं मासाई, लेकिन आंसर हमेशा आता है केनिया से कि केनिया जनजाति क्या कहते हैं? मासाई। और इनकी जो बस्ती है, उसको बोलते हैं कराल। वस्तु क्या बोलते हैं इनकी? कराल। कराल हो या कोरल हो, लेकिन कराल से आता है आंसर। इस बात का आपका क्लियर हो गया होगा। एक यहां इथोपिया देश है, यहां पे एक इथोपिया देश पड़ता है, इथोपिया। क्लियर? इथोपिया मरुस्थल है, नामबिम मरुस्थल। एक जनजाति यहां होटेन नॉट जनजाति किसकी है? आप याद रखोगे कि भैया नाम भी मरुस्थल में रहती है इथोपिया की। आपके बात क्लियर होगी होगी। और बात करेंगे अब जब हम यहां से, इतना क्लियर क्वेश्चन। और कोई जनजाति यहां से? एक देश पड़ता है, हाँ आप कह सकते हो नाइजर देश है। दो जनजातियां हैं यहां, हाउसा और फुलानी। दो जनजाति है। फुलानी पशुपालक का काम करती है और हाउसा क्या है? कृषक है। अरे क्या काम करती है फुलानी करती है? पशुपालन का। क्लियर इस बात को लेकर? तो ये आपकी जो खास का जनजाति थी ये होगी आपकी अफ्रीका की। अब बात करेंगे यूरोप की। इसकी बात करेंगे यूरोप की। इसको बोलते हैं स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप। स्कैंडिनेविया का प्रायद्वीप। तो जो स्कैंडिनेविया का क्वेश्चन आता है, स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप की जनजाति का नाम बताइए, तो आंसर होगा लैप्स। एक देश पड़ता है ब्रिटेन। ब्रिटेन की जनजाति है हैसला। और जो दो देश पढ़ते हैं, एक का नाम है नॉर्वे और एक का नाम है स्वीडन। क्लियर? इन देशी जनजाति इसको बोलते हैं नॉर्डिक। क्लियर? स्कैंडिनेविया क्या होगा? तो लेप्स होगी। अगर उत्तरी स्कैंडिनेविया के जो देश है
उत्तरी देश है नॉर्वे और स्वीडन, उसकी क्या बोलते हैं नॉर्डिक। क्लियर है, देश पड़ता है बेल्जियम, बेल्जियम देश पड़ता है यहां पे, जिन्होंने बेनेलक्स के समूह में आता है। तो यहां की जनजाति है वैलूंस, वैलूंस। और ये कौन सी भाषा बोलती है, फ्रेंच भाषा। क्लियर, तो ये आपकी जो जनजाति होगी ये होगी आपकी यूरोप की। क्लियर इस बात को लेकर, बात करने वाले हैं किसकी, एशिया की। यहां पर सऊदी अरब पड़ता है, कौन सा, सऊदी अरब पड़ता है। तो इसकी जनजाति है बद्दू, कौन सी जनजाति है, बद्दू जनजाति है। क्लियर, यहां पे एक देश पड़ता है, ये भारत है भैया, सॉरी यहां है भारत, ये है यहां सऊदी अरब, अरब प्रायद्वीप है सऊदी अरब। तो यहां पड़ता है ऊपर ईरान इराक, मैं लिखता जा रहा हूं, आपको पता है देश कहां है, ईरान जमा इराक। तो इसकी जो जनजाति है सब बोलते हैं कुद्र, दैमा दर है कुद्र, यहां पड़ता है ईरान इराक, जनजाति कौन सी है कुद्र है। क्लियर, भारत की बात तो पूरी भारत में होगी। यहां पे देश पड़ता है फिर भारत से ऊपर पाकिस्तान, पाकिस्तान की है अफरीदिस, अफरीदिस जनजाति है, अफरीदिस। क्लियर, अफरीदिस जनजाति किसकी है, पाकिस्तान की है। अब बात करेंगे यहां देश पड़ता है भारत के बराबर म्यांमार, म्यांमार की कौन सी जनजाति है, लाई। और उत्तरी म्यांमार की बोल लेगा तो उत्तरी म्यांमार की कची, याद रखो म्यांमार की अगर कहेगा तो लाई है, उत्तरी म्यांमार की कहेगा तो कचिन, उसका आंसर होगा। क्लियर, बात करें मलेशिया, मलेशिया पड़ता है यहां नीचे चोटी पे, इधर यहां मलेशिया, सेमांग है जनजाति है सेमांग। ये पूर्णतः कैसी है, ये पूर्णतः आप याद रखियो कि ये पूर्णतः शाकाहारी है। क्लियर इस बात को, और अगर कहना चाहो आप कह सकते हो कि ये जनजाति और है सकाई, सकाई जनजाति भी है। क्लियर इस बात को, एक देश पड़ता है थाईलैंड, थाईलैंड के कोसन और एक लिशु। क्लियर बच्चों, तो कोसन है और लिशु किसकी है, ये थाईलैंड की है, ये पड़ता है नीचे मलेशिया ऊपर थाईलैंड। ठीक है, बात करें जापान की, जापान के एनु, एनु जनजाति किसकी है, ये जापान की है। यही देश पड़ता है फिलीपींस, प्रशांत महासागर में पड़ता है फिलीपींस, फिलीपींस को बोलते हैं एटा। क्लियर, एटा। अब बात करें किसकी, मध्य एशिया की, मध्य एशिया। तो जो मध्य एशिया जनजाति है, जो मध्य एशिया की जनजाति है उसे बोलते हैं खिरगिज, खिरगिज। और एक ऐसी जनजाति है, क्वेश्चन आता है घुमाक्कड़, घुमाक्कड़। क्लियर, जो इनके तंबू होते हैं उसको बोलते हैं यूथ, यूथ। क्लियर, और इनका कार्य क्या है, पशु चारक है, पशु चारक का काम करती है। क्लियर, और ये दूध को कैसा रखती है, ये दूध को खट्टा करके पीती है, दूध को खट्टा करके। क्लियर इस बात को लेकर, तो ये हो गया खिरगिज जनजाति से। अब एक आंसर आपको कमेंट में देना है, कमेंट बॉक्स में, चीन की कौन सी जनजाति है कि जो 1300 वर्षों से पानी पे निवास कर रही है, ये कमेंट, कमेंट बॉक्स लिखा आपको आंसर दिया गया है, चीन की कौन सी जनजाति है जो 1300 वर्षों से पानी पर निवास कर रही है। और अब बात करें किसकी, साइबेरिया क्षेत्र की, किसकी,
साइबेरिया क्षेत्र है, ये रूस का उपरला साइबेरिया क्षेत्र की। तो याकूत और कैमसिन, याकूत और कैमसिन किसकी भैया आपके अरुणाचल साइबेरिया क्षेत्र की है। तो मेरे हिसाब से यहाँ का क्वेश्चन नहीं रहा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो।